दुकान बंद कर लौट रहे सर्राफा व्यापारी से बाइक सवारों ने की लूट। जहां अमृतपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर भरखा से दुकान बंद कर लौट रहे सर्राफा व्यापारी का झोला बाइक सवारों ने लूट लिया। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। शहर कोतवाली के मोहल्ला सेनापति निवासी सर्राफा व्यापारी सुरेश चंद वर्मा की राजेपुर के सलेमपुर में सर्राफा की दुकान है। मंगलवार को सुरेश दुकान बंद कर बाइक से वापस लौट रहे थे। सुरेश ने बताया कि भरखा व पट्टी भरखा के बीच कड़ी पुलिया के निकट एक बाइक पर तीन बदमाश आए और ओवरटेक कर उसे रोक लिया। दो बदमाश मुंह में गमछा बांधे थे, जबकि बीच में बैठा बदमाश गमछा नहीं बांधे हुआ था, लिहाजा उन्होंने तमंचा निकालकर सुरेश की तरफ तान दिया। उन्होंने सुरेश कहां से आ रहे थे लूट लिया। बाइक सवार सलेमपुर से, सलेमपुर में दुकान उकान है आपके? अच्छा, काई सराफे की? अच्छा, घर कहाँ है? सेनापत में। क्या नाम आपका? सुरेश चंद वर्मा। दुकान किस नाम से है? अच्छा, तो दुकान बढ़ा के आप आ रहे थे, तो क्या हादसा हुआ आपके संग, आप जरा बताएंगे? एक मोटरसाइकिल पे तीन जने थे, अंगोछा बांधे हुए थे दो जने, बीच में जो बैठा था वो अंगोछा नहीं बांधे थे। उन्होंने ओवरटेक किया, गाड़ी रोकी और एकदम गाड़ी घरों देने लगे, कट्टा निकाल लिया और पीछे से इनके बैग निकाल लिए। अच्छा, तो आप लोगों ने कुछ कार्रवाई की है उनके खिलाफ? अभी कार्रवाई की गया, मान लो कोई फोन दिया, आपको फोन कर दिया और राजेपुर सीओ साहब को फोन कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया? बात हो गई, उन्होंने कहा ठीक है अभी। अच्छा, यहाँ के जो थाना लगता है वहाँ आपने तहरीर दी अभी? एसओ साहब को फोन के माध्यम से सूचित किया गया है। एसओ साहब को भी फोन के माध्यम से सूचित किया, एसपी महोदय को भी मामला संज्ञान में उनके भी पहुँच गया है। अभी समय भी 5-7 मिनट का समय हुआ है, देखते हैं अभी क्या होता है, आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये कौन सी जगह लगती है जहाँ आपके संग हादसा हुआ? थाना राजेपुर के भरखा और पट्टी भरखा के बीच में एक जगह है कटी पुलिया, काफी समय से इन मामलों के लिए प्रचलित रही है। आज फिर उसी तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण मामला इन माध्यम के साथ हो गया है और अभी तो कोई समय भी नहीं हुआ, 6 बजे हैं और इस तरीके की घटना होना वाकई एक बहुत ही सोच का विषय है। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो इनके साथ जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।